हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए कॉमन टॉपिक है एग्जाम के लिए सभी के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आज टॉपिक जो है हमारा टॉपिक 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। तो यहाँ पे सीपीयू के बारे में अपन 25 एमसीक्यूज कवर करेंगे। ऐसे ये जो सीरीज है कंटिन्यूटी एग्जाम तक जो है अपन स्टार्ट रखने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक बात बता दूं कि देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज है जिसमें सभी टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 25 एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिकॉज सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, सेकंड, विच पार्ट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, सेकंड एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड कैचे। तो करेक्ट आंसर है सेकंड एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, द एएलयू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड द सीपीयू। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। देखिए ऑप्शन है फर्स्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, सेकंड डायरेक्ट ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, थर्ड स्टोर डेटा एंड फोर्थ कनेक्ट पेरिफेरल्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड डायरेक्ट ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, बिकॉज कंट्रोल यूनिट मैनेज द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा विद इन द सीपीयू। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द स्मॉल फास्ट स्टोरेज इनसाइड द सीपीयू यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड डेटा। तो देखिए ऑप्शन है RAM, register, cache, hard drive. तो करेक्ट आंसर है सेकंड register. Register hold data temporary for quick access by the CPU. Next, fifth, which of the following is the fastest memory in the CPU? तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट RAM, cache, hard drive and ROM. तो करेक्ट आंसर है सेकंड cache memory. Cache memory store frequently used data to speed up processing. नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हाट डज द क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू रिप्रेजेंट। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑफ कोर्स, सेकंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, थर्ड नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड एंड फोर्थ साइज ऑफ कैच मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड दैट इज हर्ट्ज, बिकॉज क्लॉक स्पीड मेजर हाउ मेनी साइकिल अ सीपीयू कैन परफॉर्म इन अ सेकंड। नेक्स्ट, सेवन, मल्टी कोर सीपीयू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग कैश साइज, सेकंड रनिंग सेवरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, थर्ड इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड ओनली एंड फोर्थ एनलार्जिंग रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रनिंग सेवरल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, बिकॉज मल्टीपल कोर अलाउज पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। नेक्स्ट, एट, विच सीपीयू कंपोनेंट डिकोड इंस्ट्रक्शंस। देखिए ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रजिस्टर, कैचे। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, बिकॉज कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट, नाइन्थ, व्हाट डज अ सीपीयू रजिस्टर डू। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट स्टोर लॉन्ग टर्म डेटा, सेकंड होल्ड द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, थर्ड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड फोर्थ कनेक्ट सिस्टम कंपोनेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड hold the instruction being executed, because register stored data and instruction currently under execution. Next, 10th, which type of CPU architecture process instruction sequentially? देखो option है SSID, then SIMD, then MIMD and MISD. Correct answer है first SISD, single instruction single data, because SISD process one instruction at a time. Next, 11th, the CPU fetch instruction from. So the option is first hard drive, cache, RAM and register. So correct answer is third RAM. The RAM instructions are typically fetched from RAM before the execution. Next, 12th, what role does the CPU play in a computer? So, देखिए option है first control input or output device only, second execute program instruction and process data, third store data permanently and fourth manage network connection. So, correct answer is second
execute program instruction and process data, because CPU is the main processing unit for executing software. Next, 13, which of these is not a CPU component? So dekhiye, option hai first ALU, control unit, cache and monitor. The correct answer is fourth, monitor, because monitor is an output device, not a part of CPU. Next, 14, what unit in the CPU control data flow between units? So the option is first control unit, ALU, cache and register. The correct answer is first control unit, because control unit coordinate data flow and instruction execution. ऐसे देखें, जनरल नॉलेज की पीडीएफ भी अवेलेबल है. जिनको जनरल नॉलेज की पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, एग्जाम ओरिएंटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सीपीयू परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस्ड बाय. तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिट पर प्रोसेसर कैन हैंडल, सेकेंड इंक्रीजिंग मेमोरी साइज ओनली, थर्ड एडिंग मोर पेरिफेरल्स एंड फोर्थ इंक्रीजिंग मॉनिटर साइज. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट increasing number of bits per the processor can handle, because more bit process at once enable faster calculation. Next, 16, what is the term for a CPU ability to simultaneously handle multiple instruction? So dekhiye, option hai first parallel processing, serial processing, register handling and instruction piping. So correct answer hai first parallel processing, because multiple core or thread allows concurrent instruction execution. Next, 17, what is the clock speed of CPU measured in? So dekhi, option hai first bits, bytes, hertz, kilobyte. So correct answer hai third hertz, because it indicate the number of cycle per second. Next, 18, what does pipelining in CPU do? So dekhi, option hai first execute multiple instruction at once by overlapping stage, second increase clock speed, third enlarge cache size and fourth enhance memory capacity. The correct answer is first execute multiple instruction at once by overlapping stages, because pipelining improve throughput by parallelizing steps. Next, 19, the size of the CPU data bus determine. CPU data bus determine. So dekhiye, option hai first the number of instruction per cycle, second the width of CPU register, third how much data can transferred at once, and fourth the CPU clock speed. So correct answer hai third how much data can be transferred at once, because large bus size allows wider data movement per cycle. Next, 20, the CPU instruction set architecture define. So dekhi, option hai first the CPU physical size, second the number of register, third the set of instruction the CPU can execute, and fourth the CPU color. The correct answer is third the set of instruction the CPU can execute, because ISS specify operation supported by the CPU instruction set architecture. Next, 21, which CPU component temporarily hold data being transferred? So the option is cache, register, RAM, PSU. The correct answer is second registers, because registers hold data temporary for quick access. Next, 22, what is hyper threading? So the option is first cooling technique, second running multiple threads on one physical CPU core, third increasing cache size, and fourth overclocking the CPU. The correct answer is second running multiple threads on one physical CPU core, because hyper threading allows better resource utilization per core. Next, 23, CPU instruction cycle phase include. So the option is first fetch, decode, execute, second store, fetch, load, third compute, save, display, and fourth input output processing. So correct answer is first fetch, decode, execute, because basic cycle stage for executing instruction, that is fetch, decode and execute. Next, 24, overclocking a CPU means. So the option is running CPU at a higher clock rate than recommended, second reducing CPU speed, third adding more CPU core, and fourth cleaning the CPU. The correct answer is first running CPU at a higher clock than
हायर क्लॉक रेट देन रिकमेंडेड, वी कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस बट रिस्क ओवर हीटिंग. ओके नेक्स्ट 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर इन अ सीपीयू. तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट स्टोर डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, सेकंड काउंट्स एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, थर्ड होल्ड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फेच, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो करेक्ट आंसर है थर्ड होल्ड एड्रेसेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फेच, बिकॉज पीसी गाइड द सीपीयू ऑन विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. वैसे देखे जनरल नॉलेज, सिविल, कंप्यूटर अवेयरनेस, हॉर्टिकल्चर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सभी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.